गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हम लोग अमृतसर से रात में निकले और अभी हम दोपहर में पहुंच चुके हैं कसोल। तो चलो आपको अपना कैंप दिखाते हैं। तो फाइनली हमने फाइनल कर लिया कैंप। आज हम लोग कैंप में रुकने वाले हैं। ये है कसोल कैंप और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बोन फायर भी होगा रात में, साथ में यहाँ झूले भी हैं बच्चों के लिए और ऐसे करके ना सारे कैंप हैं। तो वो जो सामने ग्रीन वाला दिख रहा है ना, वो हमारा टीम है। अकेला बैग हमारा रास्ते में खराब। आप छोड़ के गए हैं, देखो मेरे सूटकेस को, बेचारे को लावारिस छोड़ दिए। भैया आपसे मैचिंग का सूटकेस, एकदम मैच कर रहा है। सो हम सब लोग फटाफट अपने रूम में गए। चलो आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देते हैं और उसके बाद फिर नहा धो के रेडी होके चलते हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। तो ये हमारा रूम है, ऐसे तीन रूम हमने लिया है और तीनों रूम में चार चार बेड है, जिसमें हम एक रूम में पांच लोग रहने वाले हैं बच्चों को मिला के। तो हम रेडी होके निकल चुके हैं कसोल में, जो फेमस गुरुद्वारा है मणिकरण साहिब, वहाँ आ गए हैं। और ये बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर, यहाँ पर बेसिकली जो लोग आते हैं वो ये है कि यहाँ पर ना कुंड है, जहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है और ठंडे पानी का। आप देख रहे हो कि इधर धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पे एकदम गर्म पानी है, मतलब ऐसा गर्म है कि इसमें पूरा गुरुद्वारे का खाना बनता है। आप जहाँ जहाँ पे धुआं देखोगे वहाँ वहाँ पे गर्म पानी निकलता है और ये साइड में एकदम ठंडा पानी है। गरम है। ए बेटा तुम लोग हाथ नहीं डालना। अरे भाई हाँ यार गर्म है भैया, इसका हाथ जरा छुआ। सो गुरुद्वारे से होने के बाद हम लोग आ गए थे कसोल में, एक छोटी सी बट बहुत क्यूट सी मार्केट है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से सामान मिल रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे आ गए और राज की नज़र इस पर पड़ी, तो राज ने उसे ट्राई किया और बहुत अच्छा लग रहा था। बट राज ने फिर लिया नहीं, थोड़ा सा रेट का चक्कर था जो भी था। बट आप देखो राज को भी थोड़ा थोड़ा आराम से करना है, हम लोग तेज पटक रहे हैं ना। हाँ ये नहीं, बस एक बार हल्का सा मारना है फिर हल्का सा घुमाएंगे। अब जल्दी कर लो, जल्दी बड़ा रही, बड़ा रही। हाँ। और ये है हमारे रिजॉर्ट के पीछे का व्यू जहाँ से नदी बहती है। बट अभी क्योंकि बारिश के टाइम में ना ये पूरा पानी से भरा रहता होगा। अभी देखो यहाँ पे ये लोग फोटो शूट करा रहे हैं। तो चलो हम लोग भी चलते हैं, थोड़ा फोटोशूट वगैरह करा लेते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं बहुत ही सुंदर सा सनसेट देख के, जिसको देखने के बाद एकदम मन खुश हो गया। उसके बाद ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो सबके लिए आई चाय और ये चाय का कप बहुत बड़ा था। फिर थोड़ा हमने रेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे बोन फायर होने लगा, तो हम सब लोग यहाँ बैठ के मस्त चिल करने लगे और हमने अपना डिनर भी यहीं पर मंगा लिया। मतलब स्टार्टर डिनर ऐसे थोड़ा थोड़ा आता रहा और हम लोग बैठ के मस्त इंजॉय कर रहे थे। और बहुत ही टेस्टी सा डिनर करने के बाद, बोन फायर को एंजॉय करने के बाद हम सब सोने चले गए थे, क्योंकि रात में हमने पूरी जर्नी की थी और हम सोए नहीं थे। तो बस फिर हम सोए और सुबह उठे 8 बजे और सुबह सुबह फिर सब ने पी चाय। चेयर्स करो, चलें भैया चेयर्स करेंगे। करिए चेयर्स करिए, शीशा मत देखिए।
सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सुबह सुबह फिर से आ गए हैं यहाँ पर, और अभी ना ऐसा लग रहा पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे फिर से हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोज़ बनाए, जो कि आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मनाली के लिए। सच में देखिए यार, बहुत अच्छी है, और यहाँ पे अभी कुछ काम भी चल रहा है, तो चलो चलते हैं मनाली की तरफ। ये पहाड़ी गर्ल, आप कैसे लाओगी? ओह, ग्लव छूट गया बेचारी का। चलो लो, उठाओ बैग, चलो आ जाओ। इतनी मस्त लग रही, एकदम ऐसा लग रहा पहाड़ी लड़की हो। आर यू एक्साइटेड फॉर राफ्टिंग? बस एंजल को एक चीज का डर है कि कहीं इसके कपड़े ना भीग जाएं। और कोई, मुझे लगा वो कॉर्डसेट पहनेंगे ना, न्यू वाला, इसलिए। हाँ नहीं, वो शाम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो शाम को पहन लेना। फोटो एंजॉय। सो अभी एक जो है बोट निकल चुकी है, दूसरी जो है निकलने वाली है। इसमें हम पांच लोग जाएंगे, तो इसमें मैं, राज, एंजल, सांभवी और चंचल है, और दूसरी वाली बोट में बाकी लोग हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो गाइड था इसने हमको डरा दिया था, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बट अब देखते हैं, फ़िलहाल अभी हम इंजॉय करने के मूड में हैं, तो चलते हैं और आपको बाद में बताते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। वीडियो बन रहा है। तो हम लोगों को राफ्टिंग करने में आई बहुत ज़्यादा मज़ा, और फिर भैया ने बोला अगर जिसको पानी में डुबकी लगाना है वो कूद सकता है, तो मैंने फटाक से बोला मुझे कूदना है। उसके बाद सांभवी भी कूद गई, और फिर वो भैया बड़े परेशान हो गए, दो दो लोगों को कैसे संभाले। तो फिर एक लोगों को राज पकड़े और एक लोगों को उन्होंने पकड़ा, क्योंकि नीचे बहुत ही जल्दी पत्थर आने लगा था। तो फटाफट हम लोग आ गए ऊपर।
सो हम लोगों ने राफ्टिंग कर ली और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मतलब बिल्कुल भी स्केरी नहीं था। ऋषिकेश वाला तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले और सीधा आ गए अपने रूम में, और हमारे रूम से ना जो बाहर का व्यू दिख रहा था वो इतना मस्त दिख रहा था कि आपको बता नहीं सकते। उसके बाद फिर हम लोगों ने चेंज वेंज किया, थोड़ा रेस्ट किया और हम पहुँच गए सीधा मॉल रोड। और वहाँ पर मैंने सोचा था इस बार मुझे ये सिद्धू खाना है, क्योंकि मैं पिछले दो बार आई हूँ और मैं ये नहीं खा पाती, इसके बारे मैंने काफ़ी सुना था। तो यहाँ पे ना ये जो है बेसिकली आटे का होता है, इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और पीनट होते हैं, और इसकी जो चटनी होती है बहुत ज़्यादा ही यमी थी, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर हम लोग मॉल रोड में टहल रहे थे, वैसे हमने कुछ शॉपिंग तो वैसी करनी नहीं थी क्योंकि यार आजकल हर चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, तो बस मैंने एक दो सामान ही लिया था, बहुत ज़्यादा कुछ लिया नहीं था। बट मॉल रोड में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट में, मुझे नाम नहीं याद है, बट हम वहाँ डिनर के लिए गए थे, तो आज का डिनर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे हमने मंगाई थी हांडी दाल, उसके बाद पनीर बटर मसाला, उसके बाद एक कोई मिक्स वेज मंगाई थी, मुझे कोई याद नहीं है। इंजन ने अपने नूडल्स मंगाए थे क्योंकि उसको लगता है कि बाहर गए हैं और बाहर जाके ही खाना कौन खाता है। वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गई, आज सांभवी का बर्थडे है, तो अभी हम लोगों ने केक वगैरह ले लिया है, बट ये रेस्टोरेंट में इतना ही स्पेस नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग जाके अपने होटल में केक कट करेंगे। और अभी सब डिनर को कर रहे हैं एंजॉय। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे होटल और वहाँ पे केक आया था, और केक जो है बहुत मुश्किल से मिला था और गलती से भैया से गिर भी गया था, तो थोड़ा सा जो है वो हो गया था। ओवरऑल केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये था कसोल टू मनाली ब्लॉग, और आज हम लोगों ने मनाली में मॉल रोड एक्सप्लोर किया, वहाँ का यम्मी खाना खाया, साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया। ओवरऑल आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई होप आगे के दिन भी ऐसे ही बहुत मज़ेदार जाने वाले हैं, क्योंकि हम आए हैं ग्रुप टूर में और आपको पता है ग्रुप में आओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दो ताकि आपको सारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलो फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।